Welcome to One and All. We started with C++ board programs and we completed number of programs. And now we are starting with programs for string. Okay, so string use karke kaise program karna hai, that we have to start. And our first program will be program to count number of words in a text. Means what? Hame words ko count karna hai ki text mein kitne words hain. Let's see how to do it. First of all, your aim will be write a program in C++ to read a line of text and to count number of words in a text. Okay, so what is the meaning? कि हमें एक line enter करना है. Okay, और उसमें जितनी बार भी space आएगा and we are having number of words in that line, तो हमें वो कितने words हमारी line में है वो check करना है. Okay, let's proceed. First of all, to start with string program, we should know what is string. Okay, so string, if you will see for the first time, you will see in data type chart. So string is derived data type. Okay, string is derived data type. Derived data type mein kya kya rehta hai? Functions hai, pointers hai, array hai. Same way string also. Okay, so it is used to store heterogeneous characters. Heterogeneous means mixed characters. तो इसमें कैसा है? इफ यू विल एंटर टी, यू कैन सी हियर टी एक्स 5 स्पेस एंड अंडरस्कोर फ्रैक्शनल वैल्यूज, सो ऑल आर वैलिड हियर बिकॉज स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या है, ये हर टाइप के कैरेक्टर्स को स्टोर करता है. सो स्ट्रिंग के डेफिनेशन में ये टर्म आना बहुत जरूरी है. ओके, एरे में क्या था कि हमारे पास सेम डेटा टाइप के डेटा स्टोर होते हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विथ इंटीजर, सो सारे डेटा इंटीजर होते हैं. बट स्ट्रिंग में क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैरेक्टर्स रहेंगे. सेम भी हो सकते हैं बट मिक्स्ड भी हो सकते हैं. हियर डेटा इज स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वॉट? सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर होगा. ओके, यू कैन सी हियर. ओके, सो हियर वी आर हैविंग दैट कि जो भी डेटा है वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहा है. क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग. लेट्स स्टार्ट. सी, दिस इज योर कोड. ओके, सो ये कोड में क्या करना है, हमें एक पहले से एक लाइन एंटर करना है यूजिंग स्ट्रिंग, और उसके बाद में उस लाइन में जब जब स्पेस आएगा हमें ये समझ में आ जाएगा कि अब ये पहले वाला कंटेंट क्या था, एक वर्ड था. लाइक दिस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन माइंड कि आप जब भी स्ट्रिंग का प्रोग्राम कर रहे हो, आपके अगर एम में स्ट्रिंग वर्ड मेंशन है, यू हैव टू मेंशन दिस फाइल हैश इंक्लूड string.h, ये फाइल आपको इंसर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में. ओके, सो जब भी आप स्ट्रिंग का प्रोग्राम कर रहे हो, यू शुड एंटर दिस हैश इंक्लूड string.h हेडर फाइल. ओके, लेट्स मूव. सी हियर, पहले मैं आपको क्लियर ये बता देती हूँ कि क्या प्रोसीजर है. अभी देखो, मैंने यहाँ पे क्या एंटर किया है स्ट्रिंग में, हाउ आर, यू कैन सी हियर स्पेस इज गिवन. सो अकॉर्डिंग टू अस क्या है, दिस इज माई फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज माई सेकेंड वर्ड इन माई टेक्स्ट लाइन. ठीक है, तो बस हमें क्या करेगा, कंप्यूटर भी ये काउंट करके देने वाला है कि इसमें कितने वर्ड्स हैं. सो कंप्यूटर शुड गिव दैट हियर वी आर हैविंग टू वर्ड्स. ओके, ये कंप्यूटर हमें देना चाहिए. सो वॉट इज द प्रोसीजर, ऑलवेज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये फाइल तो आपको देना ही है. नेक्स्ट फाइल शुड बी string.h. ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ void main, ऑलवेज देयर विल बी डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग विल बी कैर. ओके, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, मिक्सड हैं, कैसे भी हो सकते हैं. सो हियर वी आर डीलिंग विथ डेटा टाइप कैर. यू कैन सी हियर स्ट्रिंग का नाम क्या है, लाइन. ओके, जैसे हम एरे लिखते थे, एरे ऑफ 5, ए ऑफ 5, ऐसा कुछ लिखते थे, सेम वे यू हैव टू राइट स्ट्रिंग. बस फर्क क्या है दोनों में, एरे में सेम टाइप के डेटा रहते थे, इसमें मिक्स्ड होंगे. ओके, सो स्ट्रिंग का नाम है लाइन. उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है स्ट्रिंग का, मैंने दिया है 80, दैट वी कैन एंटर लेंथ ऑफ 80 कैरेक्टर्स. ओके, इंट काउंट इक्वल टू 1, ये स्टार्टिंग में ही काउंट 1 क्यों दिया है. नाउ थिंक,
अगर मैंने सिर्फ हाउ एंटर किया होता, ओके, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी स्पेस, ठीक है, अगर मैंने हाउ को सिर्फ चेक किया होता तो उसमें अभी तक तो मुझे स्पेस मिलता नहीं, हो मेरा स्ट्रिंग खत्म भी हो जाता, यहाँ पे खत्म हो जाता स्ट्रिंग, ओके. सो आई मेंशनड हियर दैट बेसिक काउंट विल बी वन, क्योंकि अगर मैंने उसमें कुछ भी वर्ड्स मेंशन किया है विदाउट स्पेस ऑल्सो, देन ऑल्सो इट विल गिव मी वन, ओके, क्लियर. क्योंकि वो स्पेस आएगा तभी काउंट करेगा कि नेक्स्ट वर्ड अभी आने वाला है करके, ओके. इफ यू आर नॉट हैविंग स्पेस देन वो टोटल को क्या काउंट करेगा, वन, ओके. सो यहाँ पे इसलिए बाय डिफॉल्ट काउंट इज गिवन एज वन. len इज अ वेरिएबल एंड i इज ऑल्सो वेरिएबल. नाउ द नेक्स्ट थिंग, एंटर द लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो सी आउट कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, ओके, ये प्रिंट हुआ. देन सी इन डॉट गेट लाइन, ये एक फंक्शन है दैट इट बिलोंग्स फ्रॉम स्ट्रिंग डॉट एच, गेट लाइन फंक्शन. इट इज यूज्ड बाय दिस डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर से इसको कॉल करते हैं, इसलिए यहाँ पे सी इन डॉट है, ओके. सो कीप इन माइंड, डोंट थिंक दैट कि यहाँ पे वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दिया नहीं है, ओके. सो इफ यू आर डीलिंग विथ स्ट्रिंग यू आर हैविंग डॉट गेट लाइन फंक्शन. तो गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारा, लाइन, उसमें के 80 कैरेक्टर्स के लिए वो स्पेस बना रहा है, ओके. सो यूजिंग दिस वी कैन एंटर दिस हाउ आर, ये मैंने एंटर किया यूजिंग दिस लाइन सी इन डॉट गेट लाइन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके थ्रू जैसे ही कंपाइलर ये लाइन को कंपाइल करेगा, वी हैव टू एंटर वन लाइन, वॉट एवर यू वॉन्ट, हाउ आर यू, आई एम फाइन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, एंड यू कैन चेक कि कितने वर्ड्स हैं आपके स्ट्रिंग में. नाउ len इज इक्वल टू strlen ऑफ लाइन. नाउ द सेकेंड फंक्शन इज strlen, ओके. द मीनिंग ऑफ strlen इज स्ट्रिंग लेंथ. तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, मीन्स उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स काउंट होंगे, ओके. सो कैरेक्टर्स आर टोटल, इट विल बी इन फॉर्म ऑफ नंबर 1, 2, 3, 4. स्पेस इज ऑल्सो यूज्ड, ओके, स्पेस को भी यहाँ पे काउंट किया जाता है. सो यू आर हैविंग टोटल 7 कैरेक्टर्स, ओके. सो माय स्ट्रिंग लेंथ ऑफ लाइन, लाइन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम क्या है, लाइन, उसके टोटल वैल्यू कितना है, उसका लेंथ कितना है, len का वैल्यू इज 7, ओके. नाउ फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज कंपेयर्ड विद दिस 7, i प्लस प्लस. अब क्या होगा, उसने बोला कि जैसे जैसे वो जीरो वाली प्लेस से चालू होगा, दिस इज योर जीरोथ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड कंटिन्यू, ओके, ये कंटिन्यू होगा ऐसे. तो जब तक ये चालू है, जस्ट चेक इट कि उस जगह पे आई का स्पेस, जगह क्या है, जीरो भी हो सकता है, वन, जो भी रहेगा वैल्यू, यू हैव टू चेक दैट यू आर हैविंग स्पेस और नॉट, ओके. अगर स्पेस है मीन्स वॉट, यू गॉट योर सेकेंड वैल्यू ऑलरेडी, यू आर हैविंग वन, दैट यू नो कि अगर आपका वैल्यू विदाउट स्पेस अगर डिक्लेयर है, सो यू आर हैविंग फर्स्ट वैल्यू, ओके, एंड इफ इट इज विथ स्पेस देन यू विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू, क्लियर. सो इफ आई विल राइट हियर, इफ आई विल राइट हियर आई इज इक्वल टू 0 एंड 0 is compared with 7. True or false? So this is true. If this is true, what I have to do? I have to check ki mera 0 wale place pe space hai kya? It is true? Nahi. So this will be false. Okay, ye line mera false ho jayega. So again, it will go to this for loop. Okay, so now I ka value kya ho gaya? 1. 1 compared with 7? True. ये भी ट्रू है. फिर से चेक होगा कि लाइन ऑफ आई, एक मैं आपको ये लिख के बताती हूँ, लाइन ऑफ आई मीन्स लाइन एट वन, ये वन वाला जो प्लेस है उस जगह पे स्पेस है क्या. सो चेक वन वाले प्लेस पे स्पेस है क्या, नहीं, यहाँ पे तो ओ है. सो अगेन इट विल स्किप द गिवन कंडीशन बिकॉज ये इफ लूप हमारा फॉल्स हो गया. सो इट विल गो टू फॉर लूप. ओके, नाउ 2 is compared with 7. True or false? Yes, it is true. Now, it will check ki line at 2. Line at 2 pe kya hai? Space hai kya?
यू आर हैविंग स्पेस और नॉट. ओके सो यू कैन सी जो आपका मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है. यू आर नॉट हैविंग स्पेस. सो दिस कंडीशन विल अगेन फॉल्स एंड काउंट वाला स्टेटमेंट वॉन्ट एग्जीक्यूट. ओके सो स्टिल यू आर हैविंग योर काउंट एज वन. नाउ अगेन गो टू फॉर लूप एंड यू आर हैविंग दिस 3 कंपेयर्ड विद 7. ओके सो नाउ दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू. नाउ इफ यू विल कंपेयर लाइन एट 3, यू कैन सी लाइन एट 3 यू आर हैविंग स्पेस. येस इफ यू आर हैविंग स्पेस आई विल राइट हियर लाइन एट 3. ओके येस यू आर हैविंग स्पेस. यू आर हैविंग स्पेस मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू. देन योर काउंट विल बी, अर्लियर इट वॉज 1, नाउ इट इज 2. ओके मीन्स स्पेस मिल गया मीन्स यू आर हैविंग वन मोर वर्ड हियर. स्पेस मिल गया मीन्स वॉट, आपके पास एक वर्ड तो था पहले से. बाई डिफॉल्ट अगर स्पेस नहीं होता तो आपके पास वन वर्ड तो था ही, बट एज यू गॉट स्पेस नाउ वी ऑल कम टू नो दैट कि एक वर्ड तो पहले से था, अब स्पेस मिलने के बाद भी यू आर हैविंग सेकेंड वर्ड ऑल्सो. ओके इन दिस वे इट विल कंटिन्यूड एंड इट विल स्टॉप वेन योर लूप विल गेट फॉल्स फॉर 7. ओके 7 के बाद में जब 8 के लिए फॉल्स हो जाएगा देन ऑटोमेटिकली यू विल कम आउट ऑफ दिस लूप एंड नंबर ऑफ वर्ड्स आर काउंट विल बी गिवन एज 2. ओके काउंट क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 2. ओके सो जस्ट कीपिंग माइंड इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है कि अगर स्पेस है देन वी ऑल नो दैट स्पेस के जस्ट पहले और जस्ट बाद में वी आर हैविंग वन वर्ड. ओके सो इसलिए पहले से इसमें काउंट वन रखा है दैट इफ यू आर नॉट हैविंग स्पेस इफ यू हैव एंटर जस्ट अ सिंगल नेम सो देन ऑल्सो यू विल गेट काउंट एज वन बिकॉज यू एंटर्ड वन वर्ड. ओके एंड इफ यू आर हैविंग स्पेस देन वॉट इट मीन्स दैट यू आर हैविंग नंबर ऑफ वर्ड्स. ओके सो ऑलरेडी दिस काउंट इज 1 because of this space only. Okay, because between these two word you will have space only for one time. Clear? So isliye count 1 ye pehle se diya hua hai and as soon as you will get the next space means you are having the second count also. Okay, so this program is very simple. Practice this program for string and do the content like get line function, string, strlen function. And you have to include this string.h file in your string program. आप जब भी string का program करोगे आपका ये file include होगा. Okay? So practice this program and next program will have that C++ program for string to replace space by hyphen. अब इसमें क्या होगा, अगर हमने कोई string enter किया है so we have to replace that space with hyphen. Okay? ये dash से हमें replace करना है बस. सो स्ट्रिंग के प्रोग्राम सब नियर अबाउट एक जैसे ही हैं सो आई विल गिव यू वन बाय वन सो दैट यू कैन गेट द व्हाट इज द चेंज इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम. ओके सो यू विल गेट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी प्रोग्राम. सो टिल फॉर दिस टाइम प्रैक्टिस दिस गिवन प्रोग्राम एंड विल डू दिस हाइफन प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट टाइम. ओके थैंक यू क्लास.